अफ्रीका मैथ्स क्लासेस रैला में आज पढ़ेगी हॉब्स लॉ को रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों आज मैं आपको हॉब्स लॉ को रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उनमें अंतर स्पष्ट करते हुए इनके जो गुण दोष हैं महत्व हैं जो भी पूरी विषय वस्तु है उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थॉमस हॉब्स जॉन लॉ को जी रूसो की सामाजिक समझौता सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम था लेव्याथन जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी और जॉन लॉक की पुस्तक का नाम था शासन पर दो निबंध अर्थात टू ट्रीटाइटेज ऑन द गवर्नमेंट जो कि 1689 में प्रकाशित हुई थी और जे जे रूसो अर्थात जॉन जेक रूसो की जो पुस्तक थी उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तीनों पुस्तकें ये भी इम्पोर्टेंट है। थॉमस हॉब्स की का नाम क्या था लेव्याथन जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी और जॉन लॉक की द शासन पर दो निबंध और जे जे रूसो की पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है अब जो तीनों विचार के इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का कैसा वर्णन किया है बता रहे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राकृतिक अवस्था होती क्या है। प्राकृतिक अवस्था तीनों ने एक ऐसा समय बताया जब राज्य नहीं था अर्थात कोई संस्था नहीं थी और मनुष्य बिना संस्था या राज्य के निवास करता था और जीवन यापन करता था। तो तीनों ने क्या क्या बताएं इसके लक्षण बता देता हूँ प्राकृतिक अवस्था के लक्षण। तो जो थॉमस हॉब्स थे उनके समय वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनके समय में क्या था कि इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था तो उन्होंने जो युद्ध की जो स्थिति देखी जैसा वातावरण देखा उसी का उन्होंने अपने जो पुस्तक लेव्याथन उसमें वर्णन किया है। तो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में क्या बताया था कि सतत संघर्ष की स्थिति अर्थात निरंतर युद्ध चल रहा था अराजकता भय और असुरक्षा का वातावरण था। युद्ध में क्या होता है अराजकता होती है भय होता है अर्थात डर लगता है कि जान न चलिए असुरक्षा का वातावरण विज्ञान संस्कृति व सभ्यता का अभाव। जो युद्ध होते हैं वो दरअसल सभ्यता के अभाव में होते हैं। मत्स्य नायक की अवस्था अर्थात बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है ऐसा मतलब सिद्धांत वहां पे लागू हो रहा था। जीवन पर हमेशा खतरा जब युद्ध होते हैं तो जीवन पर खतरा बना रहता है और शक्ति का बोलबाला जो शक्तिशाली होता है वही इस संसार में विजय रहता है राज्य करता है। फिर जो जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें प्राकृतिक अवस्था का कैसा वर्णन समानता सद्भावना एवं सहयोग का वातावरण था। जॉन लॉक थे उनके समय में क्या था कि जो जेम्स प्रथम थे उनको हटाकर विलियम और मेरी को जो इंग्लैंड का मतलब विलियम और मेरी को सीमित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके जो समय में क्या था कि समानता सद्भावना सहयोग का वातावरण था और व्यक्ति को तीन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। इस अवस्था में मनुष्य सुखी एवं संतुष्ट व सुरक्षित था। तीन ये इम्पोर्टेंट है कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार उन्हें प्राप्त थे। तीन अधिकार प्राप्त थे जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार। इनका मानना था कि अधिकार प्राकृतिक है अर्थात जन्म के साथ ही हमें अधिकार मिल जाते हैं अर्थात किसी संप्रभुता से हमें अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है फिर था जे जी रूसो ने प्राकृतिक अवस्था किसी बताई कि मनुष्य का जीवन पशु तुल्य था एवं एकाकी था अर्थात वह अकेला रहना पसंद करता था। मनुष्य का जीवन पशु तुल्य था इसका मतलब ये नहीं कि पाशविक था वो उसमें ज्ञान का अभाव था। इसी स्थिति का वर्णन क्या है प्रारंभ में समानता एवं स्वतंत्रता का वातावरण था। प्रारंभ में केवल प्रारंभ में ऐसा वातावरण था क्योंकि बाद में जब संपत्ति का आविर्भाव हुआ तो अभी क्या कि युद्ध होने लग गए उसके लिए तो प्रारंभ में कैसा वातावरण था स्वतंत्रता एवं समानता का वातावरण था। फिर दूसरा परिवार संपत्ति भाषा संस्कृति और वेशभूषा का अभाव था। उसने भी क्या बताया कि परिवार संपत्ति अर्थात लोग मिलजुल कर नहीं रहते थे एक साथ नहीं रहते थे संपत्ति उस टाइम में पहले थी नहीं भाषा संस्कृति और वेशभूषा का अभाव था। इस अवस्था में मनुष्य क्या था उदात वंचर था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी जे जी रूसो की कि उसने ये बताया कि मनुष्य उदात वंचर था अर्थात वन में विचरण करता था वनों में रहता था और अपना जीवन यापन करता था। ये तो इन तीनों की थी प्राकृतिक अवस्था। अब क्या है इनके जो इन्होंने मानव का स्वभाव कैसा बताया है होब्स लॉक और रूसो तीनों ने मानव का स्वभाव बताए हैं अर्थात उसके जो गुण बताए हैं उनका जो ये स्टेप है इसमें बात करने हैं। तो जो होब्स के थे उनके टाइम में क्या था कि युद्ध चल रहा था तो लड़े दंगे ऐसे झगड़े की जो मतलब स्थिति थी तो उसने क्या
कि मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति का बताया था, अर्थात राक्षस बताया था, मतलब जो स्वार्थी होते हैं, असामाजिक एवं झगड़ालू, असामाजिक और स्वार्थी एवं झगड़ालू था। स्वभाव कैसा था? नकारात्मक, अर्थात ये जो असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू, असुर प्रवृत्ति का पार्श्विक जो नेगेटिव मतलब थॉट थी उसकी, जो ह्यूमन के प्रति थी, मतलब होब्स की, होब्स मतलब मानव को ऐसा ही मानता था कि वो राक्षस के समान आचरण करता है, असामाजिक होता है, स्वार्थी, झगड़ालू, पार्श्विक अर्थात पशु की तरह हिंसक होता है। उसका जो पूर्ण सोच थी, मनुष्य के इर्द गिर्द की जो सोच थी वो केवल नकारात्मक ही थी। फिर दूसरा आता है लोक का। लोक ने क्या माना है कि शांति प्रिय, सहयोग की प्रवृत्ति थी एवं सकारात्मक स्वभाव बताया था, अर्थात शांति प्रिय, सहयोगी, अर्थात आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो सहयोग से रहते थे, शांति प्रिय थे, लड़ाई दंगे झगड़े नहीं करते थे, वो सकारात्मक, जो इसकी जो सोच है जोन लोक की वो क्या है, सकारात्मकता के इर्द गिर्द है, मानव हमेशा सकारात्मक सोच मतलब इससे संबंधित है। फिर क्या है कि रूसो ने क्या बताया कि स्वस्थ, सुखी एवं शांति प्रिय और चिंता रहता, स्वस्थ, सुखी, शांति प्रिय और चिंता रहता, मतलब कोई चिंता नहीं थी, और सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का स्वभाव था, क्योंकि पहले जो मानव का स्वभाव था वो सकारात्मक था, सुखी, स्वस्थ, शांति प्रिय, चिंता रहता, लेकिन जब संपत्ति का आविर्भाव हुआ तो क्या हुआ, युद्ध होने लग गए, झगड़ा लू प्रवृत्ति का होने लग गया, धीरे धीरे स्वार्थी, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये क्या था, मानव स्वभाव तीनों ने अलग अलग बताए थे। जो थॉमस होब्स का था उसने नेगेटिव बताया था, फिर जॉन लोक ने बताया था वो पॉजिटिव बताया, और जो रूसो थे उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताए थे। फिर क्या है, समझौते का कारण। समझौते का कारण में जो थॉमस होब्स का है उसमें समझौते का कारण है कि अशांति, भय और असुरक्षा के वातावरण का अंत करना। उस टाइम में युद्ध चल रहा था, अशांति थी, भय था, असुरक्षा और अराजकता का जो वातावरण था उसका अंत करना था। तो ये जो थॉमस होब्स जो समझौते का कारण बताया ये है कि अशांति, भय, सुरक्षा के वातावरण का अंत करना था, और मानव के जीवन की रक्षा करना, तथा युद्ध से, अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तभी मानव के जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो इसी स्थिति में क्या हो गया कि वो समझौता कर लेते हैं आपस में, ये बात की बात है। अभी हम समझौते का कारण देख रहे हैं, तो मानव के जीवन की रक्षा के लिए समझौता किया गया था। फिर आता है जॉन लोक का। जॉन लोक ने प्राकृतिक नियम, उसने बताया कि प्राकृतिक नियम थे, तीन प्राकृतिक अधिकार थे समाज में थे, लेकिन क्या है कि वो स्पष्ट नहीं थे, मतलब जीवन, संपत्ति और जो समानता के जो अधिकार थे वो स्पष्ट नहीं था, न तो उनको कोई बनाने वाला है, न लागू करने वाला है, न जरूरी नहीं है कि कोई माने, प्राकृतिक अधिकार थे उनको मानना भी जरूरी नहीं था उनके लिए, तो स्पष्ट नहीं थे। इसी स्थिति में उन्हें क्या है कि समझौते की आवश्यकता थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, कानून बनाने में लागू करने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। ये अब जो देख सकते हैं कि हम जो अपने लोकतंत्र है वो नहीं था उससे पहले, मतलब न तो कानून बनाने वाला था, न लागू करने वाला था, और जो नियम थे, प्राकृतिक अधिकार थे, वो भी स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, फिर होता है जे रूसो का। इसमें क्या होता है कि संपत्ति का उदय होता है। पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्वस्थ, सुखी, शांति प्रिय, चिंता रही तो इनका जीवन था, लेकिन फिर क्या होता है, संपत्ति का उदय होता है। जैसे ही संपत्ति आती है, समानता एवं स्वतंत्रता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि युद्ध, इसमें भी युद्ध होने लग जाते हैं, तो संपत्ति का उदय होते ही समानता और स्वतंत्रता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। फिर समझौते का स्वरूप। समझौते के स्वरूप में थॉमस होब्स बताते हैं कि मतलब जो लोग हैं वो आपस में समझौता करते हैं। वो क्या समझौते, मैं अपने अधिकार केवल आत्मरक्षा के अधिकार के अलावा इस व्यक्ति को सौंप रहा हूँ, तुम भी अपने अधिकार इसी व्यक्ति को सौंप दो। संप्रभु लेवियातन का उदय होता है। इससे क्या होता है, जैसे ही मतलब ये जो अधिकार सौंपता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, न कि शासक को सौंपता है, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति या संस्था को सौंपते हैं, तो वो क्या कहता है, दूसरे व्यक्ति को भी कहता है कि तुम भी अपने अधिकार इस व्यक्ति को दे दो। ठीक है, ये थॉमस होब्स का जो समझौते का स्वरूप बताया वो है, संप्रभु लेवियातन का उदय हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो संप्रभु मतलब जो पुस्तक है थॉमस होब्स की, उसको उसने संप्रभु माना है, अर्थात सारी शक्तियां किसमें नहीं आता है, उसी में नहीं आते हैं। फिर समझौते, ये जो जॉन लोक ने उसने दो समझौते बताए हैं, एक तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझौता होता है, इसमें क्या होता है कि समाज का निर्माण होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो समझौता है उसमें समाज का निर्माण होता है।
फिर शासक और शासित के मध्य समझौता होता है, इससे क्या होता है राज्य का निर्माण हो जाता है। तो इसने दो समझौते बताए, पहले में तो व्यक्ति और व्यक्ति अर्थात मेरे और तुम्हारे बीच समझौता होता है जिसमें क्या होता है कि समाज का निर्माण होता है, और दूसरा शासक और शासित के मध्य अर्थात मेरे और राजा के मध्य जो समझौता होता है उसमें क्या होता है कि राज्य का निर्माण हो जाता है। फिर आता है जेजे रूसो का, जेजे रूसो में इसमें व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपता है, न कि राज्य अथवा शासक को। ये इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में क्या होता है समझौता होता है, फिर उसमें क्या है कि समाज बनता है, समाज फिर शासक को अपने अधिकार सौंपता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपता है, न कि राज्य अथवा शासक को। सामान्य इच्छा आधारित राज्य की उत्पत्ति हुई, सामान्य इच्छा अर्थात अधिकांश जो लोग हैं उनमें जो आदर्श इच्छाएं होती है अर्थात अच्छी जो पॉजिटिव जो थिंग्स होती है उनकी उनका जो योग होता है वो सामान्य इच्छा होता है। तो इससे क्या है कि सामान्य इच्छा आधारित राज्य की उत्पत्ति हुई थी। जो रुषु का जो सिद्धांत है वो भी इसी पर आधारित है, और सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य है, सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य है को संप्रभु बताया है। जो रुषु है उन्होंने सामान्य इच्छा को संप्रभु बताया, इसलिए सामान्य इच्छा का पालन करना बाध्य है। ठीक है, फिर आता है उत्पन्न राज्य अर्थात जो समझौते हुए तीनों समझौते हुए तीनों ने अलग अलग समझौते जो कल्पना की है उनसे राज्य कैसे उत्पन्न हुए। तो पहला जो थॉमस हॉब्स का उससे क्या है निरंकुश राजतंत्र उत्पन्न हुआ। लेव्यातन संप्रभु है अर्थात उसकी पुस्तक में जो शक्तियां नियत है वो संप्रभु है। निरंकुश राजतंत्र, लेव्यातन वैसे पुस्तक का नाम है लेकिन इसमें लेव्यातन का अर्थ शासन तंत्र से दिया गया। जो संप्रभु क्या है वो निरंकुश लेव्यातन अर्थात शासन तंत्र है। ठीक है, निरंकुश अर्थात क्योंकि उस टाइम पे गृह युद्ध चल रहा था, तो जो थॉमस हॉब्स को जो इस स्थिति ने क्या है निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थक बना दिया था। तो उत्पन्न राज्य कैसा होगा निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि जो युद्ध की स्थिति को जो मतलब समाधान कर सकता है वो क्या निरंकुश राजतंत्र ही कर सकता है, ऐसा ऑप्स के विचार थे। फिर जोन लोग सीमित राजतंत्र और वैधानिक राजतंत्र, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो स्थिति थी वो अच्छी थी लेकिन क्या कि संविधान जो कानून नहीं थे प्राकृतिक नियम थे स्पष्ट नहीं थे कानून नहीं थे, तो उसमें क्या है कि उनको कानून ही चाहिए थे मेन, तो मतलब कानून को बनाने वाला लागू करने वाला उनके संस्था चाहिए थी। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन, जो प्रतिनिधि अर्थात एक वो अपने व्यक्ति को चुन लेते हैं फिर वो उन पर जो लोकतंत्र की तरह मतलब अच्छा शासन करता है, भेदभाव एवं अत्याचार का शासन नहीं होता है, इससे जो प्रतिनिधि लोकतंत्र का वो समर्थन करता है जोन लोग। और जो इससे उत्पन्न राज्य हुआ वो भी ऐसा ही प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थक था। ठीक है, सीमित राजतंत्र और वैधानिक राजतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थक। फिर तीसरा है रूसो का, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है और सामान्य इच्छा आधारित राज्य है। जो रूसो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि जो शासक उसने पहले क्या किया था कि वो शासक तो उसका भागीदार था ही नहीं, डायरेक्टली उन्होंने समाज ने शासक को सौंपे थे, जो व्यक्ति ने सौंपे थे अधिकार वो क्या समाज को सौंपे थे नहीं कि शासक, इसलिए वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है और सामान्य इच्छा आधारित राज्य का भी समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैथ्स क्लासेस रायलाइक की ओर से आप सभी को धन्यवाद।